हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोडन बायोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉट टॉपिक्स फॉर सीएसआईआर जून 2019। अब सिर्फ एक वीक बचा है आपके पास, तो इस लास्ट वीक में कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना चाहिए, कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं सीएसआईआर जून 2019 के लिए, हम इस बारे में बात करेंगे। एग्जाम के दिनों के काउंटडाउन शुरू हैं, आज 9 तारीख है, जस्ट एक सप्ताह के बाद एग्जाम है, यानी कि अगले संडे को, आज संडे है और अगले संडे को 16 जून को एग्जाम है। तो सिर्फ हमारे पास बचे हैं 7 दिन, तो आइए देखते हैं कि इन 7 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। वैसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीएसआईआर जून 2019 के लिए, और कौन कौन से टॉपिक को छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हम आज बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं यूनिट 1 का, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी। खास टॉपिक जो 2019 जून के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसको देखकर जरूर जाएं, जिसमें से रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन और मोटिव एंड फोल्ड्स, इससे क्वेश्चन जून सेशन में जरूर रहेगा। ये हॉट टॉपिक्स है, ये जी डी ई ये सब जो है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे सीएसआर का, तब पाएंगे कि सिलेबस को सब यूनिट में बांटा गया है। जैसे कि यूनिट 1 है, इसके सब यूनिट है, उसमें ए सब यूनिट, बी सब यूनिट, सी सब यूनिट, डी, तो इसमें सब यूनिट जी जो है उसको आप कंप्लीटली देख लीजिए, सब यूनिट डी को भी देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, और सब यूनिट ई को भी, जिसमें कि बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इन तीनों को जरूर से जरूर देख लीजिए। बाकी को देखने से पहले आप इनका रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है यूनिट 2, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। इस बार के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें थी ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्टडी फॉर सेल डिविजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ग्रोथ कर्व से क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट सब यूनिट है इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, जिसमें सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनल से रिलेटेड है इसको पढ़ लीजिए। और ये सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, ये तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही सेशन में आते हैं जून और दिसंबर में, लेकिन इस वाले को जून के लिए अच्छे से देख लेंगे आप तो बेहतर है। नेक्स्ट है यूनिट 3 में फंडामेंटल प्रोसेस। इसमें इम्पॉर्टेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके सभी सब यूनिट से क्वेश्चंस रहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि यूनिट 3 को कम्प्लीटली आप इसको पढ़ जाएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीएसआईआर के लिए, आइदर वो जून हो या दिसंबर, दोनों ही सेशन में इससे क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। में इस यूनिट के अंदर सब यूनिट है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, इसको जरूर देख लें, इस बार जून में इससे क्वेश्चंस रहेंगे। और सेल सिग्नलिंग का जो सब यूनिट है, और इननेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का सब यूनिट है, ये तीनों सब यूनिट को अच्छे से चेक कर लें। और इसमें खासकर वायरस इंड्यूस सेल ट्रांसफॉर्मेशन है, पैथोजन इंड्यूस डिजीज है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से मेन जो पोर्शन आता है वो आपका आता है कि ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट देख लें ठीक से, और सी एलिगेंस का। यूनिट 5 के अंदर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, आप सबसे पहले चेक करें यूनिट बी को देख लें और यूनिट डी को। इन दोनों को पढ़ने के बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर अपने पास रखें, सब यूनिट ए और फिर सब यूनिट सी और ई को भी देख लें। तो इस बार जून के लिए सब यूनिट बी और सब यूनिट डी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सी एलिगेंस का डेवलपमेंट को देख लें, ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट को देख लें, प्रोग्राम सेल डेथ, एजिन, प्रोग्राम सेल डेथ पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 6, यूनिट 6 में सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट है। इसमें से मेन जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, यहां से क्वेश्चंस निश्चित तौर पर रहेंगे इस जून में। जब भी आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसको कोरिलेट कीजिए जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा था, ये सारे पार्ट जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, कपल्ड रिएक्शन है, ग्रुप ट्रांसफर है, ये सारे रिलेवेंट हैं आपके फिजियोलॉजी से। तो जब भी आप इस तरह के यूनिट को पढ़ें जिसका कोरिलेशन हो दूसरे यूनिट से भी,
आप उसको एक साथ मिला के पढ़ें। जैसे आप यूनिट्स के साथ आप पढ़ सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन, ये सब का क्या कोरिलेवेंसी है इसके साथ में। अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा इंट्रैक्टिव होगा और बेहतर होगा आपको समझने के लिए। नेक्स्ट यूनिट है 7 में सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल। इसमें दो इंपॉर्टेंट सब यूनिट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जून सेशन के लिए, इसको आप जरूर देख लें। इसके बाद है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर जो जून सेशन के लिए जरूरी है वह है जीन मैपिंग मेथड, जिसमें कि क्यूटीएल मैपिंग जरूर आप पढ़ लें। यहाँ पर है क्यूटीएल मैपिंग, ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में आता है, और ह्यूमन जेनेटिक पीडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब आप देख लें एक नज़र में, रिवीजन कर लें सबको। यूनिट 9 में डाइवर्सिटी एंड लाइफ फॉर्म। डाइवर्सिटी एंड लाइफ फॉर्म में इंपॉर्टेंट सब यूनिट है सब यूनिट ए, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी, किस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या है टैक्सोनॉमी का, ये सारा चीज़ पढ़ लें। और दूसरा सब यूनिट है ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस में, पैरासाइट का कॉमन पैरासाइट क्या है, पैथोजन क्या है ह्यूमन का, और डोमेस्टिक एनिमल क्रॉप का पैथोजेंस क्या है। इतना अगर आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 10। ये वैसा यूनिट है जिसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में। इसमें से मेनली जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ लें आप हैबिटेट और नीस के बारे में, और कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ लें, इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्पीसीज इंटरेक्शन, बायोजियोग्राफी और कंजर्वेशन बायोलॉजी। अगर इतना आप सिर्फ देख लेते हैं ओवरव्यू के तौर पे, तो इससे आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है एवोल्यूशन एंड बिहेवियर्स। एवोल्यूशन और बिहेवियर्स में मेनली जो आपको पढ़ना है वो है प्लेंटियोलॉजी में इवोल्यूशनरी टाइम स्केल पढ़ लीजिए, ईरा पीरियड, इसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ लीजिए जिसमें कि जीन पूल पढ़ लीजिए, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डिंग लॉ। मॉलिकुलर इवोल्यूशन में आइए, इसमें आप पढ़िए मॉलिक्यूलर टूल्स इन द फाइलोजेनी, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस पढ़ लीजिए। और लास्ट में सब यूनिट है ब्रेन बिहेवियर्स एंड इवोल्यूशन के अंदर अल्ट्रुइज्म एंड इवोल्यूशन, ग्रुप सेलेक्शन पढ़ लीजिए, कीन सेलेक्शन पढ़ लीजिए, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने से आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। नेक्स्ट है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर आप पढ़िए माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोप्रोसेसिंग से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, अप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन डायग्नोसिस, टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट, मॉलिकुलर अप्रोच टू डायग्नोसिस, स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, और लास्ट में इसका सब यूनिट एच जो है बायोसेंसर, इसको भी देख लीजिए। और इसमें खासकर एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन टच करेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है मेथड्स इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी में बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसमें सब यूनिट ए जो है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स पढ़ लीजिए, फिर सब यूनिट सी है बायोफिजिकल मेथड है, सब यूनिट ई है रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स है, और सब यूनिट एफ है माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स है। ये सिर्फ मैंने सब यूनिट का नाम लिखा है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उसको आपको वो पढ़ना है। और मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं आपके लिए सीएसआईआर जून 2019 इजी हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये जितनी चीज़ें अभी मैंने बताया ये सारे प्रेडिक्शंस हैं, वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप अपना तैयारी करते रहें और इन सब चीज़ों को आप एक नज़र में देख लें अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।